अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त अदनान कराची। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। काफ़ी दिनों के बाद न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। गाइस, काफ़ी दिन से हमारा व्लॉग नहीं आ रहा था, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि अदनान भाई आपका व्लॉग नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह आज के बाद हम कोशिश करेंगे डेली व्लॉग दें। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह आज का मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम आए हैं एटीएम पे, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा सबसे पहले जाके पैसे निकालें। ये हमारी पाकिस्तान का मैजान बैंक, इनकी सर्विस बहुत ही अच्छी होती है। हम अभी इधर डालते हैं एटीएम कार्ड। ओके, तो ये अभी हमें एटीएम जो है ना पैसे दे देगा। फिर हम जा रहे थे कुछ वीडियोस वगैरह बनाने, तो आज का हमारा व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। हमारे व्लॉग के साथ रहने आप लोगों ने। दे दे भाई जान, क्या हो गया? दे रहे। Please take your cash. हमने कैश इनसे ले लिया। गाइस, अभी हम जा रहे हैं सीबीओ की तरफ, तो सामने आप देख सकते हैं, हम आपको वीडियो वगैरह शूट करेंगे। ये क्या है? हेलो, जिंदगी दिखा रहे अभी। गाइस चेक करो, ये तो बटरमैन है। इसका क्या नाम है? क्या बोलते हैं? गाइज, आज कराची का मौसम बड़ा ही प्यारा है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत बादल बने हुए हैं। तो आपको अंदर चल के एंजॉय करते हैं। यहाँ कुछ वीडियोस वगैरह भी बनानी थी, वो भी बनाते हैं। भाई इसको पार्किंग कर दो, अंदर ले जाएंगे। गाइज, बात ऐसे है कि बाइक हम बाहर खड़ी नहीं कर रहे, क्योंकि थक जाते हैं। आगे जाते जाते ना काफ़ी दूर है समंदर, तो हम बाइक को अंदर लेके जा रहे हैं। अभी भाई ख्याल कर रहे हैं। हाय हाय, आराम से आराम से। गाइस, सबसे पहले तो आप बादल देखें, कितने प्यारे यहाँ के बादल बने हुए। आज सुबह का मौसम बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही प्यारा है। ये बिल्कुल आज गर्मी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपना व्लॉग भी बनाते हैं, जाते हैं कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। व्लॉग को भी काफी दिन हो गए थे, काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि नान भाई अपना न्यू व्लॉग दो। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खूबसूरत व्लॉग बना दिया जाए। गाइज, अभी हम आ गए बिल्कुल पानी के नजदीक, तो समंदर काफी ऊपर आ चुके हैं। आप चेक करें कैसा जो है ना कमाल का व्यू है। काफी लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। अभी भाई कैसा मौसम है आज? वीआईपी। तो ये है हमारे कराची की सबसे प्यारी सबसे खूबसूरत जगह सीबीओ। यहाँ काफी लोग आते हैं एंजॉय वगैरह करने के लिए। हमें यहाँ आके काफी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि ये समंदर का व्यू है सामने, कैसा प्यारा प्यारा है। गाइस, बात ऐसे है कि हम यहाँ सीवीओ पे कुछ वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो मुझे एक कॉल आ गई स्टूडियो पे। मैंने कुछ पार्सल ऑर्डर किया था, तो डिलीवर की कॉल आ गई कि अदनान भाई आपका पार्सल आ गया, हम बाहर खड़े हुए, जल्दी जल्दी आओ इसको ले लो। तो मैंने कहा सिर्फ आप 5 मिनट वेट करें, हम आ रहे हैं। तो अभी हम सीवीओ से रवाना हो गए वापसी अपने स्टूडियो की तरफ, क्योंकि वहाँ भाई वेट कर रहे हैं, उनसे जाके अपना पार्सल लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं उसके अंदर क्या है ना। गाइस, ये है सीवीओ का माहौल, आप देख सकते हैं। गाइज, अभी हम पहुंच गए अपने स्टूडियो पर, तो सामने वो भाई खड़े हुए, उनसे हमने पार्सल लेना था, तो इनसे पार्सल लेते हैं जाके। वो जल्दी है यार, अंकल आपको यार। तो गाइज, ये वो पार्सल था जिसके लिए हमें सीबीओ से वापसी आना पड़ा। भाई वेट कर रहे थे, उनसे हमने ले लिए, तो इसमें क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। गाइज, यकीन करो कि हमें 10 मिनट हुए थे हम वहाँ पर जाके, जैसे ही पहुँचे हैं तो फिर भाई की कॉल आ गई वापसी कि भाई आपका पार्सल आ गया, मैं वेट कर रहा हूँ, आके ले लो। तो फिर हमें वापसी आना पड़ा ना। तो चलो कोई नहीं, कुछ वीडियोस वगैरह बन गई हैं, आपको भी सीबीओ का विजिट करवा दिया है। तो अभी इसमें क्या है हम आपको थोड़ी देर में खोल के दिखाते हैं। तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है जिसके लिए हमें वापसी आना पड़ा। तकरीबन ये काफ़ी लेट हो गया था, हमने काफ़ी पहले ऑर्डर किया हुआ था, तो इन लोगों ने 4 से 5 दिन लगा दिए। ये कपड़े थे जिनकी वजह से हमें वापसी आना पड़ा।
तो ये कपड़े थे जिनकी वजह से हमें वापसी आना पड़ा। हमने ये ऑनलाइन मंगवाए थे, ऑर्डर किए थे, तो आज हमें ये मिले हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो आप सब ने कमेंट में लाजमी बताना है कि ये कैसे हैं ना। अभी ये सिलाई होंगे, टेलर को भी देने हैं, उसके बाद ये जो है ना आप लोगों ने बताना है कि कैसे हैं। लेटेस्ट हैं, मैंने कभी ऐसे इस डिज़ाइन में कपड़े नहीं पहने, फर्स्ट टाइम पहनूंगा, तो देखते हैं कि कैसे लगते हैं ना। पहले तो मैं सिंपल बिल्कुल सादे पहनता हूँ, तो ये मैंने इस बार कहा कि कुछ चेंज करे ना, चेंजिंग लेके आए, तो ये मंगवा लिया। कितने हैं? दो, तीन, चार, पाँच। तो अभी हम कपड़ा देखते हैं कि कपड़ा वही है जो हमने ऑर्डर किया या कोई और तो नहीं दे दिया। कॉटन का कपड़ा है, देखो अभी कैसा है, जब सिलेगा तो पता चलेगा। तो गाइस अभी हमारी एक काम था, अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ की तरफ रवाना हो, हम जाते हैं सदर। सदर में से हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, चल के शॉपिंग करते हैं। तो हमारे व्लॉग के साथ रहने, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट व्लॉग हमारा आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस अभी हम रवाना हो रहे हैं सदर की तरफ, तो आप लोगों को सदर जाके मिलते हैं और बताते भी हैं कि हमने क्या लेना है सदर से ना। चलो जी अभी भाई। गाइस अभी हम आ गए हैं पंप पे, यहाँ से हैप्पी भाई फ्यूल डलवा रहे हैं बाइक में, फ्यूल डलवा के फिर जा रहे हैं सीधा सदर की तरफ। ये है कराची का रश, शाम के टाइम सबको जॉब से छुट्टी होती है, तो कराची के रोड ऐसे हो जाते हैं, काफी ज्यादा रश हो जाता है, इसलिए हम बाइक पे आते हैं ताकि जल्दी जल्दी जाएं, हम फ्यूल भी अच्छे से ले लें और वापसी भी आ जाए ना। गाड़ी पे यहाँ पर आए तो बहुत ज्यादा रश होता है, आप देख सकते हैं। हम बाइक पे फिर भी हम इस रोड से जा रहे हैं, सर्विस रोड से। हम पहुंचाए लाइट हाउस तो खान जी के पास, यहाँ से हमने चप्पलें लेनी थी, तो ये हमें एक चप्पल पसंद आई है। अरे भाई सही लग रही है, लग तो सही रही है, पर और मेरे के साथ डीलिंग वगैरह करते कितने की है सही बताना। ये 1800 रुपए के, इसके पठान की शॉप है। अभी कितने का दोगे फैन वाला, मैं बताओ? 1800 फैन, 1800 का, 1800 हाँ ये वाला, 1500 फाइनल, कम नहीं करोगे इसे, पक्की बात है। पठान भाई कह रहे हैं कि 1500 से कम नहीं है, आइए फाइनल डन, आखिरी में चलो। ये लो, ये लो जी, ये लो आप लो। गाइस पठान भाई के साथ डील डन हो गई है, ये जो है ना कह रहे हैं अभी 1300 रुपए फाइनल दो आपको देते हैं, ये लो भाई, ठीक है जी 1300 रुपए। अभी ये पैक कर दें, 100 रुपए तेरे चेक हैं, ठीक है ना। गाइस पठान बड़ा क्यूट है भैया, तो पहले भी ये चप्पल लिया ही, लेकिन साको पसंद क्या नहीं आई था, क्यों ना हो, क्योंकि तो प्यारी लगी है, तो मैं ये ले गई ना। हाँ इसको डब्बे में डाल के पैक कर दे। बकान अभी हमारी जो है ना चप्पल को पैक कर रहे भाई जान, ये जो है ना बड़ा मेहनती बच्चा, स्कूल नहीं जाते, जाते हैं स्कूल, कौन सी क्लास में? तीन में, जिंदगी दी खैर होगी। तो गाइस अभी हमने जो है ना ये ले लिया, तो अभी हम जा रहे हैं, हमने ट्रैक सूट लेने थे वाटर पार्क के लिए, तो अभी वो शॉप ढूंढते हैं यहाँ पर के कहाँ पर है ट्रैक सूट, कहाँ मिलेंगे पता है कुछ? इसको नहीं पता, तो अभी हम जाके खुद देखते हैं शॉप को ही, तो वहाँ से ट्रैक सूट लेते हैं, फिर ट्रैक सूट लेके रवाना होंगे वापसी की तरफ। चल जी खान, खान बाय बाय। गाइज अभी हमने बाइक को कर दिया पार्क, तो एक जगह पे आ गए, यहाँ पर जो है ना देखते हैं हमें ट्रैक सूट समझ में आते हैं या नहीं ना, ये एक मार्केट है छोटी सी, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है, थोड़ा आगे चले जाएं, वहाँ पर एक शॉप है वहाँ से मिल जाएंगे, अभी वहाँ की तरफ जा रहे हैं। सामने आ गए ये वाली शॉप है, यहाँ से पता करते हैं कि ट्रैक सूट मिलते हैं या नहीं मिलते। अंदर नहीं है कोई, गाइज बात ऐसे है कि हम आए, वो कह रहे हैं कि भाई जान नहीं है, वो नमाज पे गए हैं ना, वेट करना पड़ेगा, तो देखते हैं थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा अभी भाई, यहाँ पर इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी हम आ गए हैं चिप्स वाली जगह पे, मैंने कहा अब तक भाई भी आ जाएगा, हम चिप्स खा लें अभी भाई, जिंदगी दी खैर हो। तो यहाँ से हम चिप्स खाते हैं,
तब तक वो शॉप वाले भाई भी आ जाएंगे तो फिर वहाँ जाके ट्रैक छोड़ देंगे। यहाँ से चाहिए था लेकिन नहीं मिला, वो कह रहे हैं कि आगे एक शॉप है वहाँ पर जाओ। है भाई कहाँ लेके आ गए, यहाँ तो कुछ मिल रहा ही नहीं है, खाली हमें चप्पल मिली है, उसके बाद नहीं कुछ मिला। बाकी गरम गरम चिप्स आ गई है, ये हैप्पी भाई बैठ के खा रहे हैं, तो चिप्स मैं भी ट्राई कर लूँ, उसके बाद जो है ना हम आगे जाते हैं ट्रैक सूट लेने के लिए। गाइज अभी हम जा रहे हैं आगे नेक्स्ट शॉप पे। गाइज ये न्यू शॉप पे आए हैं तो यहाँ पर ये हमें पसंद आए हैं। हैप्पी भाई ठीक है? पसंद तो आए, वो दूसरे नहीं होते इसके वो। हाँ नहीं वही है, वही है, वही है। ठीक है, अभी हमने ट्रैक सूट ले लिए, ये दो कलर हमें पसंद आए थे। गाइज आखिरकार हम आ गए वापसी अपने स्टूडियो पर, स्टूडियो को करते हैं ओपन। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और होलिया भी जो है ना काफ़ी बिगड़ गया है, तो अभी गाइज अभी इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था तो हमने कहा इशा की नमाज़ पढ़ लें। हाँ जी, इशा की नमाज़ पढ़ के फिर वापसी आते हैं स्टूडियो पे, टाइम बहुत कम है। जी गाइस इशा की नमाज़ पढ़ ली है, नमाज पढ़ने के बाद अभी हम आ गए अपने स्टूडियो पे, तो इंशाल्लाह आज जो शॉपिंग वगैरह करनी थी वो कर ली है, तो नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अच्छा हमारे आने वाले हैं, आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग का वेट करने, हम कराची की एक बड़ी प्यारी जगह पे जाने वाले हैं, तो आप सब ने व्लॉग में लाजमी देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस व्लॉग की मैं यहीं पर करूँगा एंड। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।